इधर आके बैठ जाएं। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? आप जानती हैं ना अब्बू के मिजाज को, मुझे तो समझ नहीं आती उनके साथ मसला क्या है। बहुत करवाहट है उनके लहजे में। तुम्हारे अब्बू को समझना बहुत मुश्किल है, मैंने तो जिंदगी गुजार दी उनके साथ, कभी झूठे मुंह तारीफ की ना कभी मुस्कुरा कर देखा, लेकिन बेटा मैं तो ये सब बर्दाश्त कर ही रही हूँ, लेकिन लेकिन उनकी वजह से मोहल्ले वाले कितने परेशान हैं। उन लोगों ने हमारे साथ मिलना जुलना बंद कर दिया, हमारी तरफ देखने से कतराते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बू की वजह से। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, अब्बू ने तो हद ही कर दी, उन्हें तो इस चीज का भी एहसास नहीं है कि उनकी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट होती है। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि उनकी बेटी जवान हो रही है, कल को उसके रिश्ते आएंगे, मोहल्ले वालों से पूछ-गिछ करेंगे, तो हम तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उनकी वजह से कोई बहुत बड़ी मुश्किल ना आ जाए। अम्मी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो मेरी हिम्मत जवाब देती जान, मायूसी से घुटन होने लगी है मेरी। अम्मी आप इस तरह रो मत, मायूसी गुनाह है, और अगर अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बू का दिल बदलना इतना मुश्किल तो नहीं है ना अल्लाह के लिए। प्लीज आप इस तरह रोए मत, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, प्लीज अम्मी प्लीज। पलक, पलक। जी अब्बू। क्या जी अब्बू? अरे माँ की गोद में ही बैठी रहोगी या बाप को भी कुछ पूछोगी? बोल बोल के हलक खुश हो गया मेरा, जाओ जाके पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी जल्दी आओ, किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा यहाँ पे, तेरा बोलना पड़ता है, दिमाग खराब है, जा ही लौटते। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी खुद। अरे भाई तुम अपना काम करो ना, छोड़ भी दिया करो कभी। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? पूरा फेंकने जा रहा हूँ मैं, काम करो तुम अपना, पकाओ रोटियां।